you. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. भाई आज मुझे बिंदु की याद आ गई. हाँ? पुरानी सहेली है? सहेली तो पुरानी है. मेरी प्यारी बिंदु. एक्चुअली ऐसे मजाक कर रहा हूँ. ये बहुत ही एक खूबसूरत फिल्म है. अच्छा. मेरी प्यारी बिंदु. और इसमें जो दो कलाकार काम कर रहे हैं हाँ. वो दोनों मुझे पर्सनली बड़े प्यारे लगते हैं. अच्छा. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इस खूबसूरत सी लव स्टोरी के नायक और नायिका हाँ. तो वेरी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना एंड ब्यूटीफुल परिणीति चोपड़ा. हाँ जी. दिलों में बसता है वो नाम सबकी जबान पे है. आयुष्मान को देखकर लड़कियों का दिल सातवें आसमान पे है. और परिणीति के रूप की बहार से खिल उठी है महफिल और मेरे दिल की नदी का पानी खतरे के निशान पे है. वाह वाह क्या बात है. शाबाश. कमल भाई आपने एंट्री के टाइम पे बोला था कि टैलेंटेड आयुष्मान एंड ब्यूटीफुल परिणीति. वो टैलेंटेड नहीं है मतलब परी या मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं. ये नहीं ये फूड डलवाने की कोशिश कर रहा परी. हम दोनों के बीच में ना एक्चुअली दुनिया को हमारे प्यार के बारे में अभी तक पता नहीं चला है. कब ओए होए होए गिर गया भाई. ये तुमने आज से पहले कभी नहीं कहा मैं पतला हो गया हूँ क्या? इसलिए क्योंकि मैं भी पतली हो गई हूँ ना. ये तो है. अब मैं क्या बोलूँ. अच्छा मुझे पहले पता नहीं था मुझे लड़कियां फॉलो करती हैं. रियली? अब परिणीति ने देख लो वजन कम कर लिया, गाना भी गाती है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. तो इतनी मेहनत करने क्या जरूरत. तुम मुझे सीधा सीधा प्रपोज करती मैं तब भी मना नहीं करता. पर एक्चुअली परी तुमने कितना वेट कम किया है? 17. आपको कैसे पता? पता है. मेरा तो कभी पूछा नहीं. क्योंकि एक लड़की उस कम हो गई लगती है. एक्चुअली छोटी टीनेजर लड़की 8th स्टैंडर्ड की 17 किलो अगर कम किया है. हां. यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. थैंक्स कपिल. यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम एंड हॉट. अच्छा परी शेर आपने बड़ा कमाल का कहा. एक तीर से दो निशाने. आयुष्मान को भी कवर कर लिया. हां. परिणीति को भी. हां. मतलब मिनिस्टर भी आपने बनना है. फ्लर्ट भी आपने करना है. दुनिया में आप ही आए हो. हम तो ऑक्सीजन घेर रहे हैं लोगों की. एक्चुअली सारा काम मेन यही कर रहे हैं. अच्छा मेरी प्यारी बिंदु नाम सुन के बड़ा मजा आ रहा है. हाँ. मैंने वो देखा भी. उन्होंने मुझे दिखाया वो ट्रेलर. बड़ा खूबसूरत है फिल्म का और अलग सी लव स्टोरी है. अच्छा आजकल ये फिल्म उस दौर की लगती है जब लड़कियों के नाम बिंदु हुआ करते थे. है ना. आजकल तो बिंदु दारा सिंह आने लगे हैं. ये किस दौर की लव स्टोरी वैसे? एक्चुअली इतनी पुरानी है नहीं. 90s की पिक्चर है. अच्छा. लेकिन जो कैरेक्टर है बिंदु का उसको एक्चुअली रॉकस्टार बनना है. Okay. फिल्म में वो सिंगर है एंड वो चाहती है कि वो एक बहुत बड़ी सिंगर रॉकस्टार बने और Okay. उसको भी अपना नाम एक्चुअली बिंदु पसंद नहीं है. वो बोलती है कि मेरा नाम बिंदु क्यों है. बिंदु के साथ तो मैं कभी रॉकस्टार बन नहीं पाऊंगी. तो ये सच है कि उस एरा की है जब बिंदु होते थे नाम. तो उसने नाम चेंज नहीं किया. 90s नहीं 80s से फिल्म स्टार्ट होती है और 2017 तक चलती है. नहीं वैसे ऐसी बात पाजी आपको लगता है कि बिंदु नाम हो तो हिट नहीं हो सकता? तो मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे शकीरा है. हाँ. मान लो उसका नाम होता कमला देवी. Ladies and gentlemen, please welcome कमला देवी. नहीं फिर पाजी वो कमला नहीं कमली हो जाती ना. कमली हो जाती एक्चुअली. एक्चुअली नाम में फर्क तो पड़ता है. तुम्हें क्या लगता परी? मुझे भी लगता है यार. तुमने बचपन से नाम परिणीति था ना? हाँ एक्चुअली मेरा पेट नेम जो है वो टिशा है. तो मुझे लगता है बहुत कूल है. परिणीति ठीक ठाक. टिशा भी तुम्हारा नाम है? हाँ परी भी तुम्हारा नाम. प्लीज वेलकम. आइए जोरदार तालियां परिणीति और आयुष्मान के लिए. परी आयुष्मान आप पहली बार दोनों ही एक्चुअली ये वाले शो पे आप पहली बार ही आए हैं ना? ये वाले सेट में पहली बार. पुराने घर में तो बहुत बार. हाँ इसीलिए बंद किया था हमने. आज के एपिसोड के एंड तक मैं डिसाइड करने वाली हूँ कि मैं तुमको डेट करने वाली हूँ कि नहीं. तो बिहेव वेल. राजा आज तेरा दिन अच्छा है मैं बता रहा हूँ. आज हर गेंद बल्ले पे लग रही है. नहीं तो जो लड़की आती तुझे भैया ही बुलाती है. कौन लड़की? एक सोनाक्षी ने बोला था बस. आपने बात उठा दी ज्यादा. और कुछ हुआ नहीं परी. इट्स नॉट लाइक दैट. ये बातें कैमरा ऑफ होने के बाद करते हैं. ओके. आयुष्मान इस फिल्म में राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं. पहली बार होगा किसी राइटर को बहुत पैसे मिलेंगे. ये हमारे किसी राइटर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है. निकनेम की बात करना चाहता हूँ कि इसमें फिल्म के अंदर मेरा निकनेम बुबला है. क्या है? बुबला. अभिमनी रॉय है फिल्म में नाम लेकिन डार्क नाम बुबला है. ये नाम है कि इसका जूस निकलता है? बुबला.
अच्छा प्रेमी एक बात बताओ, आयुष्मान आप दोनों ही गाते हो, बड़ा अच्छा गाते हो, तो हम आपसे वो एक एक गाना जरूर सुनेंगे बाद में. एक्चुअली आयुष्मान अभी सुन लेते हैं, एक्चुअली किस चीज़ का वेट लग रहा है ये. सुना दे. आज ये बहुत म्यूजिकल एपिसोड होने वाला है क्योंकि हम तीनों गाने के बहुत शौक है. तो आज महफिल होने वाली है मॉडर्न कॉमेडी. एक्चुअली मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग फिल्मों में इतना बिजी हो, मैं तो कहता हूँ कहाँ फिल्मों में पड़े हुए ऐसे करोड़ों रुपए कमा रहे हो. कवाली का ग्रुप बनाते हैं अपना. नहीं कवालियां करते हैं जी, उसका नाम रखेंगे जस्ट कवाली. अरे लेडीज फर्स्ट, अपनी फिल्म में जो गाना गाया वो सिद्धू सर को प्लीज सुनाओ जी. दो बार मिनिस्टर बने, तुमने जाके हक भी नहीं किया, बधाई भी नहीं दी. ये कोई बात हुई, मैंने बैकस्टेज मिली थी. हो गया. ए बैकस्टेज में मिलना शुरू कर दिया आपने. क्या मतलब भाई? तेरा क्या मतलब? कैमरे पे चलो अच्छा लगता है, मिलते हैं कि तेरा क्या मतलब है हैं? अरे 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 आज पकड़ा गया लॉयन. परी गाना वो जो आपने फिल्म में गाया मूड लाइटिंग थोड़ी उसमें वो कर रही थी. पहली बार आई है ओए होए. परी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. हाँ. सिंगिंग की बात चल रही है तो तुम्हें क्या लगता है दलेर पाजी ने आज क्या पहना होगा? दलेर मेहंदी ने. हाँ? क्योंकि उनके कपड़े तो तुम पहन के आई हो. यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल परी. मैं मजाक कर रहा था यार, हमने सोचा हम दोनों बड़ा लौटी है यार. परी यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. ओके कपिल बहुत शरारती है बंदा यार, तू बाई गुड कर रहा हूँ. ठीक है मैं दलेर पाजी के कपड़े पहन के हूँ, ये मेरे जिम के कपड़े पहन के आए. I'm sorry, you've lost marks. Also talented. मेरा आजकल ना चली ऐसा रहा, मैं बोलता कुछ हूँ मेरा निकल कुछ और आता. मेरे ना थोड़ा दिन से डामाडोल चल रहे हैं, दोस्त नाराज होके बैठे हैं. तुम्हें काम करो. मैंने कोई नाराज नहीं होके बैठा, वो थोड़ा सा हॉलिडे हॉलिडे पे. एक दोस्त नाराज हो ना, दो तीन बड़े खुश हो गए क्योंकि उनकी एंट्रियां ज्यादा हो रही. परिणीति का ये डेब्यू सॉन्ग है ना जी. जोरदार तालियां परी के लिए. अब यार आयुष्मान, अब तेरी पहली फिल्म थी ना जो जिसमें तू बड़ा दान पुण्य करता है. उसमें यार तूने एक गाना गाया था, पता नहीं पानी दा रंग देख. हाय हाय माय फेवरेट. तना टन था यार. इसकी खूबसूरत कंपोजिशन भी आयुष्मान पाजी ने की है और लिखा भी इन्होंने. पाजी क्या बात है, बहुत बढ़िया. पाजी आप जब शादी हुई आपकी, आपके बचपन के प्यार से हुई ना? हाँ. क्या बात है यार, बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल बात है ये. पाजी बचपन के प्यार से शादी करने में क्या फायदा है? मतलब बीवी से डर कम लगता है? भाई ज्यादा लगता है. तू क्यों टिप्स ले रहा है एकदम से? अभी सारी पोलें पता होती हैं बीवी को. तू भाई ऐसा तो नहीं है कि तेरी शादी होने वाली है ना? नहीं 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 ना. तो फिर बेगानी शादी में कपिल दीवाना. नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ वैसे. नहीं पर तू एमी हरेक से पूछ रहा था, खुद करवाता नहीं. तीन में नहीं, तेरह में नहीं, टोकरे वाले बेरों में नहीं, प्लेयरों में नहीं, इस बेरों में नहीं है क्या? पाजी इस शो पे जो भी एक्ट्रेस आती है उससे पहले फ्लर्ट करना बंद करेगा तो कुछ होगा ना लाइफ में. बस आदत बदली नहीं. करेक्ट. ठीक है मैंने किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को. बुढ़ापे में जाएगा तो पछताएगा. क्यों? क्योंकि एक चीज ऐसी जाएगी जो वापस नहीं आएगी, जवानी. मुझे लगता है बुढ़ापे में और ज्यादा मजा आता होगा. कैसे? अब मियां बीवी एक टाइम पे जाकर तो दोस्ती हो जाते हैं, उसके बाद अभी ये प्यार व्यार रोमांस तो चलो हो जाता है एक उम्र के बाद, 60-65-70 के बाद या 75 के बाद फिर तो तकरीबन बातें ही होती हैं आपस में. मतलब आई मीन टू से कि एक यारी दोस्ती होती है. मैं कहता हूँ आपस में बैठ के प्यारे प्यारे पोपले मुंह हो जाते, मजा आता है. उन्होंने खाना खाया? मेरी नानी मेरे को बड़ी क्यूट लगती थी. मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं है. आई लव हर, आई मिस हर सो मच. वो चीकू खाती थी ना तो मुंह भी चीकू जैसा हो जाता था. बड़े क्यूट लगते हैं एक्चुअली. नहीं लगते परी? हाँ तो शादी करा ले, 40 के बाद सेल खत्म हो जाते. सेल खत्म हो जाते. हमारा क्या है ना, सेल वाला सिस्टम नहीं, हम जनरेटर में हैं. यार बात है. वेरी गुड कपिल. यार पाजी क्या यार आप बता, बड़ा ही शरारती बताया यार. अच्छा मैं हूँ भाई, बात खुद करके मेरे पे डाल रहे हैं. वाह.
मैंने कहाँ की थी? ये लड़की पीछे बैठी है, इसने कान में फूंक मारी। कौन कौन लड़की? ये वाली। अच्छा, जो पीछे बैठी है आपको कैसे पता रहता है? मैं तेरी नजरों से देखता रहता हूँ। देखा, ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। परिणीति है ना बाजी, फिल्म में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनी है। अच्छा, तो ये तमिल में बोलती हैं। हैं? परी, सिद्धू पाजी बहुत भारी बहुमत से जीते हैं, दो डिपार्टमेंट के पास, उनकी तारीफ में तमिल में कुछ बोलो। मैं सच बोलना चाहती हूँ कि मुझे तमिल नहीं आती है, मैंने डायलॉग याद करके बोल दिया था बस। कोशिश करो, कोशिश करो। हमें कौन सा पता चल रहा है? कोई है यहाँ पे तमिल बोलने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, यार नहीं है। दास दादा बोलते हैं, दास दादा। चलो बोल दास दादा। है, आपको आती है ना? बोलो दास दादा। दास दादा, आपकी वाइफ तो तमिलनाडु से है ना? कलकत्ता की हो। आप भी कलकत्ता से हो, हमारी पिक्चर भी कलकत्ता से, तो आप बंगाली में बोलो, सिद्धू पाजी आप बहुत हैंडसम हो, ऐसा बोलो। सिद्धू जी आपने अनेक भालो लागछेन। आमी तुम्हाको भालोबाची। दास दादा, इतने सालों से आप हमारी खींच रहे हैं फोटो, आपने हमें कभी बंगाली क्यों नहीं सुनाई? सर आपने कभी पूछे ही नहीं। मैं अब आप बंगाली में बोलो, कपिल मुझे तंग करना बंद करो, मुझे मरना नहीं है। अरे एक्चुअली आप बोल रहे दास दादा की एज गेस करो। 24। तुमसे तो कम है। नहीं मजाक नहीं, चलो एक बात की गारंटी है, इनके सेल खत्म है। पाजी आपको कैसे पता? मेरे को इसलिए पता है कि हमारे वहाँ एमपीए में उनका नाम नहीं लूंगा। पाजी मतलब, आप नाम मतलब उनको तो पता चली जाएगा। तो वो बहुत मोटे थे, एक दिन पैंट पहन के आ गए, तो वो इवेंट टू द लू, बाथरूम वाथरूम करके बाहर आए, तो मैं कहा पाजी थोड़ा पोस्ट ऑफिस खुला है? कहना काका जिन तिजोरियों के खजाने लुट जाते उन्हें ताले नहीं लगाते। पर ये दास दादा भी उसी बोट में, टाइटैनिक में। आज से नवजोत सिंह सिद्धू जी का नाम नॉटी सिद्धू। दास दादा, एक्चुअली दास दादा की एज गेस करो। प्रणी दास दादा आपकी एज होगी 47, 50। मैडम मेरी बेटी का एज है 32। अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा मैथमेटिक्स जो पढ़ाई करके आई थी बाहर से? मैं शॉक में हूँ। 60, 65। दास दादा आई लव यू। वाह दास दादा बहुत फिट हो, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक यू मैम। आजकल मैं फिट लोगों पे नजर रखती हूँ तो। दास दादा जैसे परिणीति आप पे लाइन मार रही है, तो दास दादी को अपना आपकी वाइफ को। मैं लाइन नहीं मार रही हूँ यार। मतलब उनको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं मैं दास दादी को। दास दादी डांस इतना जबरदस्त करता है दास दादा। डांस दास दादा आप डांस अच्छा करते हो? ओ जबरदस्त। अरे डांस करना आपको दास दादा? हां यस। आ जाओ कौन से गाने पे? आई एम अ डिस्को डांसर। दास दादा प्लीज आज दिल कर रहा है आपका डांस देखने को। दास दादा अपना कैमरा लाइए, मैं खींचूंगा फोटो आपकी। कैमरा कौन से गाने पे? मैं आपका फोटो लेती हूं, आप डांस करो। हां कौन से गाने पे? मेरे को दास दादा ने कहा भी था, मैं सॉरी दास दादा बता रहा हूं, इन्होंने कहा था कि मेरा कभी कभी ना हीरोइन के साथ डांस वगैरह करा दिया करो, इस उम्र में तो यही है ऐसे। मैं ये ऐलान करता हूँ कि दास दादा के सारे सेल पुनर्जीवित हो गए हैं। दास दादा आमी तुम्हाके भालो भाषी। आयुष्मान कोई भी फिल्म करते हैं तकरीबन सब में गाना गाते हैं, गाना भी चाहिए, इतनी अच्छी बात है। पाजी ये फिल्म की डिमांड होती है कि आप कॉम्बिनेशन में ऑफर देते हैं, भी कंपटीशन बहुत है, मैं आपको कॉम्बो ऑफर देता हूँ। मैं फिल्म में हीरो भी हूँ और मैं गाना भी गाता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं पिछली दम लगा के रिश्ते में गाना नहीं गाया था। मैं कुमार सानू का फैन था तो फिर मैं सोचा उसमें गाना नहीं चाहिए। अब कुमार सानू की आवाज निकाल सकते हैं? ये करता है, बहुत अच्छी करता है। सुनो सुनो। हाँ हो जाए फिर, हो जाए। रेडी तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज
जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। क्या बात है भाई, वाह। ने लगा वो है जिसे इश्क ने मारा, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। क्या बात, सुपर्ब, क्या बात है भाजी। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम मेरी प्यारी बिंदु की बातें करें, और भी और क्या क्या कर लेते हैं? वॉशिंग मशीन खोल के फिट कर लेते हैं? इतने सारे टैलेंट आप में छुपे पड़े हैं, क्या आप बताएंगे हमारी जनता? जब बचपन में शादी हुई थी ना, वॉशिंग मशीन फिट करनी आपको आ जाती है। पत्र जाए सिद्धू जी, कैसा है? बहुत बढ़िया। How are you guys? Guys, boys, boys, guys, guys, boys, boys, guys, guys, boys, guys, boys, guys, guys, boys, guys, guys. आयुष्मान जी नमस्ते, परिणीति जी नमस्ते। हाय, नमस्ते। कैसे आप? लल्लन टॉप। अरे ये हुई ना बात। लेकिन आप तो बता रहे हैं दिन ब दिन खूबसूरत पे खूबसूरत होए जा रही है। नहीं, सच में कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद लोग आपको चांद समझ के अपना व्रत तोड़ना शुरू कर दे। आयुष्मान जी, आपको भी बहुत फिल्मों में देखा, वो अपना ये DDLJ कुछ कुछ होता है, हम आपके कौन, इन सारी फिल्मों में तो है ही नहीं। नहीं नहीं, हमने इनको देखा, वो कॉर्नर सीट पर बैठे थे। अरे हम भी थे वहां सिनेमा में, कॉर्नर की सीट पर एक लड़की के साथ बैठे थे। लड़की फिल्म देख रही थी, ये लड़की को देख रहे थे। वो अच्छा है, हमें पसंद है वो, जो आप जो सेम लाइन लड़कियों को बोलते है ना कि मिलते रहना, लाइफ बना दूंगा। मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पता चला है आपकी फिल्म आ रही है क्या, अपना मेरी प्यारी बिंदु। ये नाम आपका ऐसा अधूरा सा नहीं लगा? नाम ऐसा होना चाहिए था, मेरी प्यारी बिंदु, हम यहाँ पर कुशल मंगल हैं, आप वहां पर कुशल मंगल नहीं है, आपका अपना आयुष्मान। ये ऐसा ना, पत्र लिखना है तो पूरा लिखिए ना यार, पूरा वाला पत्र क्या लिखे है? पूरा होगा। कहानी का टाइटल था कि आप अपनी मासी को चिट्ठी लिख रहे हैं। पूरा क्या होता है? पूरा ये देखो, जैसे ये पूरे हैं, एक्चुअली बात सही है, जैसे ये पूरे हैं, पूरा नहीं, ये राक्षसों का भटूरा है ये। भटूरा। पप्पू शर्मा, एक बार क्लैरिटी में बता दीजिए, पूरा जिंदगी में आप कितना टोकने वाले? नहीं, सच में हमने एवरेज निकाला है कि हमारी हर तीन लाइन के बाद इनके एक वे टोकने वाली लाइन आती है। एक और चीज है, एक और चीज है, रुकिए रुकिए, आज देखिए आज आपका कैसे काम तमाम करते हैं हम। ये बात हमने मान ली, हम मोटे हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये एक्सेप्ट करके आपके 70% जोक तो खत्म हो गए। अब क्या बोलेंगे आप? बच्चे आपके 30% जोक जो आपके चोटी पे होंगे, इसको भी काट के आ जाएंगे, आपका तो धंधा बंद। क्या बोलेगा आदमी, क्या बोलेगा? क्या खुश हो गए आप? हाँ हम खुश हो गए। अभी जाके भैंस को नहला दीजिए। वो ना कराइए, मैं उसको कह रहा हूं। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, इज जस्ट जूलियस। जूलियस। एक बात बताएं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे। कौन सी बात? यकीन नहीं करेंगे तो क्यों बताएं? पर से देखिए, परिणीति जी हमारे जोक्स पे ऐसे खिल खिल के हंस रही है ना, और आपको तो पता है, दुनिया जानती है, लेडीज हंसी तो फंसी। वैसे आयुष्मान जी, जी हम एक ऑफर देने आए हैं, हम आपको लेकर ना एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वैसे आयुष्मान। फिल्म में म्यूजिक देंगे गुरदास मान, फिल्म का नाम होगा मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। और फिल्म को हम फ्राइडे को रिलीज नहीं करेंगे, रिलीज करेंगे ऑन मंडे। देखिए ये बातें करके कैसे आपका मान हमने बढ़ा दिया ना एकदम।
अच्छा जी, आज आपने कोई जोक नहीं सुनाया वैसे कोई? अरे नहीं, बहुत मजा आ जाएगा लोगों को। नहीं नहीं सुनाओ तो सही। अरे रहने दीजिए लोगों, क्या कॉमेडी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर जाते हैं ना, फिर ऐसे ज्यादा हो जाता है बहुत। नहीं कोई बात नहीं, आने दो मजा। सुना दे यार, सुना दे यार, आने दो मजा, सुना दे यार। सुना दो, सुना दो, सुना दे। हाँ चलिए सुना देते, अभी हंसते हंसते आपके पेट में मतलब ऐसा कोई हादसा हो गया यहाँ पर, हमें माफ कीजिए। नहीं आपका दिल नहीं करना तो रहने दो। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, सुनाते हैं सुनाते हैं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं, रहने दो। अरे नहीं रुकिए ना। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का थोड़ा थोड़ा फनी है। एक बार एक लड़का होता है, फिल्म देखने जाता है, वहां पे वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ 17 लोगों को और लेकर जाता है। पूछे क्यों? क्यों? पोस्टर पे लिखा होता है अबाउ 18 ओनली। अबाउ 18 पे। अच्छा इसमें कहां आपको ज्यादा मजा है, हमें तो आया नहीं। आपके मजे के लिए नहीं है, वो लड़कों को आया ना मजा आइडल फिल्म देख के। ओह माय चीक्स आर हर्टिंग। वैसे परिणीति जी, अब गोलमाल 4 कर रही हैं जी, तो ये एक तो अपने रोहित शेट्टी बना रहे हैं, बाकी की 3 कौन बना रहे हैं? वो तीनों बन चुकी है पहले से ही, मैं चौथी वाले में आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये गोलमाल पे भी कोई जोक सूझा नहीं आपको? ये गोल है, माल है, खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलेंगे नहीं। तो ये इस पे नारियल लगते हैं सीजन में कि नहीं जी? तुम्हारे ये जो पेड़ है ऊपर, खाली दुकान लेके घूम रहे, नारियल वगैरह नहीं लगते इधर? है सीजन वाइज है, आएंगे धीरे धीरे। सच्चाई यह है कि एक आपका एक वो गाना आया था डिसूम फिल्म में जी, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? डांस। सीधी फरमाइश आइए ना जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारा तो लाइव बन गया है, पूरी तरह बन गया है लाइव, मजा आ गया। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय। मेरी प्यारी बिंदु तो बहुत अच्छी और मजेदार फिल्म होगी, मेरे दोनों फेवरेट उसमें काम कर रहे हैं, बट एक और फिल्म आ रही है फिरंगी। ये आपको पता, फिरंगी में सबसे पहले परिणीति को फोन किया। अच्छा? Oh, हाँ, no. पर ये जेन्युइनली बिजी थी उस समय, मेरी प्यारी बिंदु की ही शूटिंग चल रही थी ना, बट ऐसा मन में रिग्रेट नहीं रखना कभी। नहीं मैं जेन्युइनली जब कपिल ने मुझे फोन किया था, मैं जेन्युइनली उस टाइम शूट कर रही थी, और actually, मेरी अगली पिक्चर भी लॉक हो गई थी, नहीं तो मैं जरूर कपिल के साथ एक बार काम करना चाहती हूँ। आई लव यू। वन डे। अच्छा आजकल ना लोग स्पा में बड़ा जाते हैं, परिणीति को पता होगा, लड़कियों को पता होता है वो जो नहीं, मैं स्पा में नहीं जाती, तुझे लगता है कि मैं 1 घंटा वहाँ बैठ सकती हूँ मसाज में? मेरे में पेशेंस ही नहीं है। नहीं वो जो उल्टा लेट जाते हैं आंखें बंद करके, नहीं वो वो जो पूछते हैं कि प्रेशर इज फाइन, तो कहता है बंदा हाँ जी, वो वाला स्पा। एनीवेज मैं स्पा की बात इसलिए कर रहा था, आजकल ना मैंने नई चीज मुझे किसी ने बताई कि वो फिश टैंक होते भाजी, वो छोटी छोटी मछलियां आती हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल हाँ मतलब जो हाँ छोटी मछलियां, छोटी डालेंगे, शार्क तो नहीं डालेंगे ना, पता चले फिट मसाज करवाने गए आप, शार्क ने पैर खा लिए, सिर्फ घुटने तक ही निकले बाहर। छोटी मछलियां आती है ना, तो वो पानी में आप पैर डालो, मछलियां आकर स्किन खाती हैं। दिनेश को मैंने बता दिया, ये चला गया, इसने शूज उतारे, पानी में डाले, मछलियां करती। ओह यार, पर ये बात मैंने पता क्यों छोड़ी? तो पानी का रंग वेख के, पानी दा
रंग देख के मेरी एक मिनट बंद करो एक छत पे कौआ है मुझे दिख नहीं रहा कब्बू मैं हूँ यार देखा मैंने कहा था ना कौआ है कब्बू तुम कैसे गिटार लेके एंट्री की सबको पता नीचे बजा रहे हैं गाना या हाँ तो तुम बजट बढ़ा दो ना असली वाला गिटार दे देते तो मैं ट्राई कर लेती असली तो तुम्हें बड़ा बजाना आता ना अच्छा तुम चुप रहो मैं नीचे आके तुम्हारी एंट्री लेनी थी इसको गिटार के साथ साहब पता है गिटार नकली है नीचे से बज रहा है कोई उनके साथ मिलके भी नहीं गा रही है कोई नहीं लेना देना फालतू में हाय आयुष्मान How are you? I'm very good. They are very talented. Who are you? I am Sarla, Sarla Gulati. Oh, in Sarla, Sarla Gulati. That's well, just Sarla, not Birla. What is it? Oh, better, sir. No, I don't want to sit with you. I'm just like I come. Why do you start? I have never asked you. Why do you start? Why do you end? Why do you end? Look, Kapoor. If I start, then all your things will end. और वैसे भी फालतू कामों में मैं पढ़ना नहीं चाहती कामों में तुम पढ़ना नहीं चाहती स्कूल में तुम पढ़ना नहीं चाहती कॉलेज में तुम पढ़ना नहीं चाहती तुम चाहती क्या हो चाहती क्या हो मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती हूँ इसमें हंसने वाली बात क्या थी तुम्हें काम करना इधर आ जाओ सरला कम यार कम ताकि लोगों को पता चले तू पैरों पे खड़ी है आजा नहीं तो लोगों को लगता है पीछे बैठी हुई है पैरों पे ना खड़ी हो तू स्टूल पे खड़ी हो अरे मैं तेरे को आइडिया दूं एक तू चप्पल ना पहना कर तू उसे स्टूल पहनना शुरू कर तुम ऐसी बातें करते हो ना उस हिसाब से तुम्हें द मोस्ट अनरोमांटिक मेल का नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए पर ये पता है वैलेंटाइन्स डे पे इसने मुझे गोभी का फूल गिफ्ट दिया पर ये गोभी का फूल कौन देता है चलो मैंने दे दिया इसका क्या मतलब बनता था ये बालों में लगा के आ भी गई पता ऊपर से ना इधर कोई हीरो ने आई हुई थी उससे कोल्ड क्रीम लेके इतनी सारी थोप ली ना ऊपर गोभी का फूल इतना तेल मुंह पे लोग कहते गोभी का पराठा आ रहा है सॉरी अरला आयुष्मान आप प्लीज इसे कुछ सिखा दीजिए ना प्लीज बॉक्सिंग सिखाओ ना कोई लेडीज वाली बॉक्सिंग एक्सक्यूज मी मैं रोमांस की बात कर रही थी बॉक्सिंग की नहीं वो मैं परिणीति से सीख लूंगा खबरदार अगर तुम किसी और से कुछ सीखा तो दुपट्टा ही नहीं संभाला जा रहा क्या है वैसे आयुष्मान जैसे आप फिल्म में राइटर हैं थोड़ी बहुत राइटिंग मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत अच्छी करती है ये पता है बाथरूम में लिख के आ गई कृपया नल खुला ना छोड़े नीचे भी कोई बदतमीज बैठा हुआ था वो उसने आगे लिख दिया कहता पहले आप अपना मुंह बंद रखिए वैसे मैं अपनी राइटिंग की एक छोटी सी छोटा सा एक एग्जाम्पल छोटी सी झलक इसका तो फिर भी एग्जांपल बोला नहीं तो पिछली बार कहेगी मैं आपको आपको छोटा सा सैंपल देती हूँ कि तू ब्लड टेस्ट करवाने आई है आप जरा ब्लड टेस्ट करने आया कहता सैंपल लेना कहती नहीं एग्जांपल ले लो मैं कितनी बार कहा है ढंग के स्कूल में पढ़ो पढ़ो तो ये कितनी बार कहा है कि पढ़ो अभी स्कूल जाती घर से स्कूल बोल के जाती उधर ऑटो वाले के साथ जुआ खेल के वापस आ जाती आपको पता है परी ये इधर ही ऐसा फैशनेबल सी बन के आती है बाहर ऑटो वाले कहते आती इन पत्ती खेलती मुझे माफ कर दो मतलब एक बात माननी पड़ेगी कप्पू मेरा पीछा जरूर करता है अरे वाह अच्छा वैसे अच्छा वैसे ये बात पे एक बात कहनी चाहूंगा भाई दो लाइन मेरी राइटिंग से खड़काओ संभल के बोलो बात दूर तक जाएगी वाह 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 संभल के बोलो बात दूर तक जाएगी इश्क है तो हाँ कर दो कप्पू वरना बहुत देर हो जाएगी अर्ज किया है कि संभल के बोलो बात दूर तक जाएगी हाय हाय वाह संभल के बोलो बात दूर तक जाएगी तुझे कितनी बार कहा है तू ब्यूटी पार्लर कब जाएगी अच्छा बताया नहीं सरला आई क्यों थी तुम गिटार लेके तुमने एंट्री ली चलो ठीक लगा मुझे फिर भी क्योंकि आयुष्मान साड़ी गली आते नहीं लेकिन आज यहाँ आए हैं तो फिर साड़ी गली सिखाना तो आड़ी गली में क्यों आए तो आड़ी गली आगे से बंद है ना जाएगा किधर से
वो नो एंट्री का बोर्ड ना सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है, सबके लिए नहीं। मैंने, मेरे को पहले ही शक था ये पार्किंग में भी काम करती। अरे तुम इतना कप्पू बोलती ना, मेरे को मजा आ जाता है, पता है? अच्छा, जब मैं कप्पू बोलती हूँ तो? मैं, मेरे को लगता है मेरे को सरकार जेल में ही डाल दे, इससे अच्छा। वो कप्पू बोलती ना अदा से बोलती है, ये कप्पू ऐसे बोलती है जैसे पान डाला हुआ कप्पू। मैं जाने से पहले आई रिक्वेस्टेड कि आयुष्मान प्लीज अगर आप साडी गली मेरे लिए, हम सबके लिए, अगर आयुष्मान के लिए जोरदार तालियां। अच्छा दो लाइनें सरला के लिए। अरे नहीं नहीं मुन्ने, अच्छा सुन तो ले। नहीं 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 यार, इतना अच्छा रोमांटिक, इतना अरे मैं से... सरला में तो रोमांटिक गाना गा रहा हूँ। गिव मी योर हैंड, लुक इनटू माय आईज, आयुष्मान की कंपोजिशन पे यही वाला स्केल, यही गाना। हाँ एक बारी चल जा गले पैन वाली है, हाँ एक बारी भज जा गले, पंजाबी में रोमांटिक है ये, एक बारी भाग जा गले पैन वाली है, मुझे पंजाबी आती है, समझ में आती है, तेनु तक्का मार। ओके खत्म, बात बात खत्म। राजी राजी सुधरेगा नहीं, चल मेरी किस निकल जाएगी। ओके परिणीति और आयुष्मान के फैंस यहाँ पे हैं, जो भी आयुष्मान से परिणीति से बात करने जाते हैं पक्का परिणीति से बात करेगा, मेरे को 100% शक है इसकी नियत पे। हाउ आर यू? हेलो सर। हेलो। हेलो सिद्धू भाजी। वाह मेरे ब्राउनी। हेलो कपिल सर। हेलो परी। हाय परी। हेलो आयुष्मान सर। परी बड़ा बोला, नीति की तरह क्या? एक्चुअली मेरा सवाल आयुष्मान सर से है। ओह सी बेटा, मेरे को बात बड़ी पसंद आई। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं जी, और वो मानते हैं या सभी एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि नाम अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो आदमी की किस्मत बदल जाती है, शायद आपका भी मैंने सुना है कि नाम कुछ चेंज हुआ है। वो शुरू से ही है यार, जब आपके पापा पिताजी एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती है, बचपन से मेरा डबल एन और डबल आर था। अच्छा, तो मतलब से वो मेहनत और टैलेंट पे आपको कोई यकीन नहीं है? यकीन तो है सर, जैसे जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर रियल में अगर नाम चेंज करने से ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक्चुअली क्या, मेरे चाचा जी भी एस्ट्रोलॉजर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अच्छा, वो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए कि तू अपने नाम में कुछ चेंजेस कर ले। चाचा जी बिलीव करते हैं तो चाचा जी को चेंज करना चाहिए, अगर आप बिलीव करते हो तो आप चेंज करो। पर आप क्या करते हैं वैसे भाई सर, कहाँ से आए आप बताया? सर मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ। अच्छा राजस्थान, यार बड़ी ब्यूटीफुल जगह से आए हो। जी सर, हमारा फिरंगी का शूट वहीं पे चल रहा है। ओके बीच बीच में ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अलाउड हुआ क्या? कौन सी फिल्म का नाम बोला? बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। हाँ जी, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मुझे फोर्स कर रहे हैं, जैसे मेरा नाम रवि है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि तू एक ए और मिला के रावी रख ले। तो ए दो क्यों करने, आर दो कर लो, रवि रख लो। वो तो सर्दियों में स्टार्ट भी जल्दी हो जाएगा, रवि। वो कह रहे कि शायद तू नाम कुछ थोड़ा सा चेंज करके देख ले कुछ। अभी क्या करते हैं आप वैसे? मैं कपड़े का व्यवसाय देखता हूँ। काम अच्छा, तो अच्छा कर रहे हैं काम। मुझे कुछ और करना है सर। क्या करना है? राजस्थान में रेत में से ऊंट निकालने आपने क्या? नहीं नहीं, जैसे आप लोग करते हैं सिंगिंग कर लूँ या कुछ और। अच्छा अच्छा, वैसे आर्टिस्ट बनने का शौक है। हाँ ऐसे आप कुछ करते हैं वैसे, मतलब शौक? नहीं करते तो नहीं, गुनगुना लेते हैं बस अकेले में। आप शादीशुदा है? नहीं सर। आपके जो बगल में लड़की बैठी है आपके साथ आई है? नहीं सर। एक काम करो ब्रदर, आपकी शादी भी नहीं हुई ना, आप बैठो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं वैसे? नहीं नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। नहीं नहीं, तुम कंफर्टेबल हो ना लड़की के। आपका क्या नाम है? क्रिया राय। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपके लिए गाना गा सकते हैं रोमांटिक? हाँ बिल्कुल। सो स्वीट, बैठ के गाओ आंखों में, ऐसे सोचो कि स्टूडियो में कोई नहीं है, ठीक है? आप क्रिया के लिए संज्ञा गा दो। हाँ, नाम बोल बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी वैसे किस्मत खुल गई, देखो बगल में ही है। हाँ। क्योंकि तुम ही हो मेरे लिए, नहीं उनके लिए सर। इन इधर इधर, अरे खुश हो जाओ, राजस्थान से आयो, हम मुंबई की लड़की बैठी है तुम्हारे साथ, गाना गाओ, आंखों में आंखें डाल के, झपक नहीं आंख। नहीं हो पाएगा सर, पहले कभी किया नहीं। अब तुम ऐसा करो, अब नाम चेंज कर लो। यार मेरी बात सुनो, पहले कभी किया नहीं कि आप लोग शादी करते हैं पहली बार पापा बनते हैं तो मतलब पहले भी बनना जरूरी है? वैसे ही पहली बार ही समझ के कर दो, गाना गा दो।
मैं गाना तो गा रहा हूँ पर वो आप देखने का बोल रहे हो वो थोड़ा खतरा। ये अपना नट बोल्ट इधर घुमाओ ना, हम लड़की के साथ गाना गा देता हूँ ना, काफी है सर। अबे आंखों में आंखें डाल। प्रिया प्रिया ये थोड़ा शाही फील कर रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, ओ चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। थैंक यू, बहुत खूबसूरत गाना यार। राजी मैंने शुरू में ही कह दिया था ये म्यूजिकल एपिसोड होने वाला है। बहुत बढ़िया, मैं तो सब गवाही है इधर। कवाली शुरू करते हैं प्रोग्राम, मैं तो कहता हूँ कवाली पेमेंट जो मिलती है ऊपर से इनाम बड़ा होता है। राजी ऐसे होते ना, ऐसे होते ना रब दी मेहर है वाकई, टैलेंट वाइज वाकई वाकई सच में। आयुष्मान और परिणीति से कौन बात करना चाहता है? और जी भाई साहब। सर मेरा क्वेश्चन परिणीति मैम से है। अच्छा जी, कहाँ से है भाई साहब आप? मैं लखीमपुर खीरी यूपी से आया हूँ। तो किसने रोका नहीं? नो सर। अच्छा जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जिससे शादी करोगे उसमें आप क्या खूबियाँ देखना चाहते हो? क्यों जानना चाहते हो मेरे जॉन्डिसिया? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप मेरे लिए ट्राई कर रहे हो? जी। कि जो खूबियां परी को चाहिए होंगी अगर आपकी मैच हो गई तो आपको मतलब ऐसे मतलब उम्मीद है? जी बिल्कुल। आप उम्मीद से हैं? जी एक्चुअल में मेरा नाम ही आरजू है। आरजू पर बड़ा यूनिक सा नाम है भाई साहब। बंदों के लिए परी क्या क्या खूबियां चाहिए आपको होने वाले पति में? बहुत ही सच्चा इंसान होना चाहिए, जो दिल में है वो शक्ल पे हो, कोई गेम वेम ना खेले। तो मोबाइल पे कोई गेम ना खेले। खाने का और ट्रैवल करने का शौकीन होना चाहिए। सेम हियर मैम, ये सारी खूबियां मेरे में ऑलरेडी पहले से हैं। ट्रैवल करने का तो उनको भी शौक है, यूपी से आए हैं। जी मैम। खाने का भी लगी रहा है, वहां गलौटी कबाब खाते हैं वहां पे। जी मैम। और तीसरी क्वालिटी है कि ही शुड स्मेल नाइस। अभी कुछ चीजों में तो मैं ओके हूँ, कुछ चीजों में आपके साथ मैं शादी कर लूंगा तो मैं सही कर लूंगा मैम। ये पीछे हाथ क्यों, क्या गलत चीज पकड़ी कोई, क्या है? अच्छा मुझे लगा पैंट पकड़ी हुई आपने। ठीक है ऐसे खड़े रहो, अच्छा लग रहे हो, थोड़ा पेट अंदर खींचो। हाँ पता क्यों, ज्यादा पेट बाहर आता ना तो नाभि फैल जाती है। ओह नहीं कभी ना। अभी ऐसे सोफिस्टिकेटेड सी होती है, मतलब हर एक की अलग अलग होती है, किसी की अंगूठे की साइज की होती है, किसी छोटी उंगली की। पंजाब में ऐसा होता है जब लाइट जाती थी ना आधी रात को, जब नींद आने लगती ना आपको पौने तीन बजे रात को ढाई बजे, तब लाइट ठक करके उस समय और मच्छर भी करता पी। उसके बाद में आदमी उठता ना जब सारी रात का बेचारा काम का मारा, किसी की नाइट ड्यूटी या सुबह की ड्यूटी करके आया, वो फिर ना बनियान होती, कभी कोई बनियान भी नहीं होती, बड़ा सा पेट लेगा ना तो वो जाते हैं देखने। पता साथ साथ में पेट में खाली कर रहे हैं, अब क्या हो गया लाइट को, तो बीच में खाली वैसे कॉम्प्लीमेंट्री उंगली फेर जाते, आई नहीं। ओए यार, पर सर मैंने खुद की मुहिम छेड़ी हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री उंगली, फिट इंडिया स्वस्थ भारत। ओए यार सब फिट रहने चाहिए। पाजी मैं अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, एक्चुअली सारी दुनिया को पता चल गया हम गए थे। वहां पे मैंने देखा इतने फिट लोग वो जिम वाले कपड़े पहन के घूमते हैं। हमारे देश को भी होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आपका वजन बढ़ जाता है तो नाभि की शेप जो होती है पहले गोल होती है, फिर वो अंडाकार बनती है, उसके बाद में फैलती है ऐसे। ये जब पोजीशन आ जाती है ना, इसका मतलब होता है कि या मुझे मार दो। सर मैं आसानी से कम कर सकता हूँ, एक्चुअल में मैं पैसे से कोरियोग्राफर हूँ, मगर अभी 1.5 साल से डांस नहीं किया इसलिए थोड़ा सा निकला है। मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग खत्रियों में कुछ ज्यादा ही खाना खाते हैं। आप भी खत्रियों? मैं खत्री हूँ। तभी तो मैंने कहा ना मैम। फिर क्या होता है
फिर क्या पास पास का मामला हो गया ना मैं। आप एक काम करो, आप जैसे कोरियोग्राफर ना, आप एक और प्रोसेशन कर सकते हैं शुरू। जी बताइए। जैसे इधर पाइप आती ना, वो इधर लगाओ आप। एक आदमी रख लो, उसको बोलो फटाफट गुब्बारा रखी जाना, आपने सांस लेनी वो भूल जाएगा, रबड़ चढ़ा। आई लव यू ब्रदर। नाभी में लगा के गुब्बारे बुला। कैसे है? अच्छा मैम रहम यार, परिणीति वो यूपी से मिलने आए तुम्हें। कह रहे आप एक और प्रोफेशन करना, आप इधर पाइप लगा। I'm sorry अगर आप, अच्छा परी आ रहा बैठो, इतनी दूर से गुब्बारे बुला के फेंक। हां कह रहा यार मैं ना फालतू बातें करता रहता हूँ, पर सॉरी अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आगे पेजी चलो। परी कुछ कह रहा है आप? हाँ सॉरी मैम, आपका नाम परी है तो परियों से शादी होनी नहीं, आरजू की बस इतनी चाहत पूरी कर दी है कि डांस के स्टाइल में बस ये ले लीजिए प्लीज। ओह ऑफ कोर्स प्लीज आइए। आई एम सीइंग यू डांस। मैं गाता हूँ पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार तू ही बता। थैंक यू आरजू। आरजू क्या बात है, हम आपको एक खूबसूरत गिफ्ट देते हैं। टू गुड आरजू, ले क्या हुआ? ब्रिलियंट, शाबाश। अरे ये खूबसूरत सा एक मोबाइल है जी, बिल्कुल अपने चाहने वाले को दे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय। मैम एक एक्सप्रेशन था आपका इसक ज्यादे में, जब वो गाना हो रहा था वो आसिक आसिक वो जो कमी हो गया ना आपका, हो तो गया सर। अभी अभी हर चीज में घुसने का क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, आई लव यू। आइए परी, वी विल टेक ए सेल्फी। अरे एक हम काम धंधा चलाने के लिए काम करते हैं, सिटी केबल का। जी जी। उसके लिए एक शो बनाना है। अच्छा, कौन भैल करोड़पति। ओके फटाफट कर लें जी। ओके फटाफट रेडी सिटी केबल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस बेहद ही खतरनाक खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाले खेल में, इसका नाम है के भाइल करोड़पति। आज हमारे हॉट सीट पर मौजूद हैं दो नर, वैसे तो ये एक ही नर हैं लेकिन डोनर के नाम से भी जाने जाते हैं, आयुष्मान जी खुराना जी। This is a new one. Very good. Oh, of course. और हमसे 1% ज्यादा खूबसूरत परिणीति चोपड़ा जी। और ये खेला में क्या है, रूल है कि एक फालतू का एक्सपर्ट भी रखना पड़ता है जी, जिनका ऐसा परिचय देना कोई खास जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी दे देते हैं। ये है हमारी हमारी क्या छोड़िए, आपकी आपकी भी छोड़िए, अपने बाप की नहीं आपकी क्यों होंगी। ये हैं सरला, जोरदार तालियां इन पे वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। तो चलिए आपके साथ ये खेला शुरू करते हैं। हेलो हेलो, हेलो माँ, मैंने तुम्हें कहा था मुझे काला टीका लगाना, तुमने टेटनस का लगा दिया। तुम आज से मेरी माँ नहीं, मेरे बाप की बीवी। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, मैंने चारों तरफ से घेर लिया है। सॉरी गलत हो गया, मैंने चारों को एक तरफ से घेर लिया है। माई गॉड, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा। हेलो हाय परिणीति, हाय आयुष्मान, आपको देख के बहुत मजा आया, जितना मतलब इसका मुंह देख के गुस्सा आता है उतना ज्यादा मजा आया देख के। आप ये आईने के साथ क्यों घूम रहे हैं? मैं ध्यान रखता हूँ कि ज्यादा खूबसूरत ना दिख जाऊँ, मेरे को नजर लग जाती है।
कल मुझे किसी की नजर लग गई, मुझे लूज मोशन लग गए, मुझे समझ ना आया मुझे नजर लगी कि मोशन लगे। इनका हेलो किया है, हम क्या दिखाई नहीं देते हैं, हेलो इधर भी फेंकिए। हेलो नहीं, मैं बफेलो फेंकूंगा तुम्हारी तरफ। मेरे पास है नहीं आज, मेरे पास है नहीं, तुम जाके टाइम निकाल कर बफेलो के साथ टकरा जाओ। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ी गर्मी लगी, आप बड़ी हॉट लग रही है। यार इतना गर्मी का सीजन है, आयुष्मान तुम आम ही ले आते हमारे लिए। वो क्या आम के आम से और लूज मोशन हो जाएंगे आपको। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, मजा तो आएगा। क्या है? आम के सेल्समैन नहीं, आम क्यों लाएंगे आप? अच्छा देख लो, मैंने आम का नाम लिया, ठेला बुरा मान गया। अच्छा परिणीति, मैं आपके लिए लाया, मुझे पता था आयुष्मान कुछ नहीं लेके आएगा, मैं आपके लिए आम लेके आया हूँ। थैंक्स, थैंक यू सो मच। इसे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? ये गिर जाता है, लंगड़ा आम है ना। एक मेरे पास और आम था। क्या? वो मिला नहीं, वो दिवाली के आसपास मिलता है, दशहरी आम। बैठ जाइए, शांति से बैठिए। मैं सरला के साथ बैठूंगा। एक्सपर्ट का सीट पर बैठे हैं आप, ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी है आपकी। एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं, सिद्धू साहब इतना एक्सपर्ट हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अंडे को देख के बता देता हूँ मुर्गा निकलेगा मुर्गी। कैसे? कैसे भाई? अच्छा मैं बता देता हूँ, मेरे में टैलेंट है, मैं संतोष, मैं तुम्हें मुंह पहले ये बताओ भाजी कि पहले अंडा आया था कि मुर्गी? कौन? मैं था नहीं उधर, कोई आके चला गया, मेरे को पता नहीं चला। भाजी पहले मुर्गा आया था मुर्गी के पास? पहले आई थी मुर्गी, मुर्गी के पीछे पीछे आया मुर्गा। हाँ, और दोनों ने काफी टाइम स्पेंड किया। अच्छा मैं संतोष तुमसे खुश हो गए, तुम्हें मुंह दिखाई दे रहा हूँ। ये क्या दे रहा है, 1000 का नोट बंद हो गया है। हाँ तो ये तुम्हारा मुंह कैसे चल रहा है अभी तक? इतना जाली मुंह लेके घूम रही, इसको फाइन लगेगा देखना एक दिन। नहीं नहीं, इसे फाइन नहीं लगेगा, 2 किलो का मेकअप लगेगा। इसको मेकअप लगेगा, उधर लंगर लगेगा, तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा तुम्हें डर लगेगा, ये देखो। खूबसूरत चेहरा है, अरे बाप रे, इसका खूबसूरती का तो TDS कटना चाहिए। बहुत ही प्यारी लग रही है। अरे तुमने ध्यान नहीं देखा, तुम्हारा TDS कटा है, देखो भगवान ने गर्दन डाली नहीं। तुम्हारी शक्ल देख के शीशा इतना डिप्रेशन में चला गया है, अब इसको परिणीति दिखाना पड़ेगा। देखो शीशे होती हैं लड़कियां, पतीला कहीं का। हम 1 करोड़ जीतना चाहते हैं, शुरू करें गेम। चलिए खेला शुरू करते हैं। सबसे पहला आखिरी सवाल। एक सेकंड, आखिरी सवाल पहले कैसे? वो सवाल ने शीर्षासन किया है। तो देखिए आयुष्मान जी, परिणीति जी, आपका सबसे पहला सवाल पूरे 50 रुपए के लिए। मेरी प्यारी बिंदु में, क्या बिंदु सच में प्यारी है? आपके ऑप्शन है ए, हाँ हाँ है। बी, है तो नहीं लेकिन आयुष्मान बोलेंगे तो मानना पड़ेगा। सी, फिल्म रिलीज पे ही पता चलेगा। या फिर डी, ये तो देखने वाले की नियत के ऊपर है। अच्छा मैं इतनी दूर से चल के नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं बाई रोड आ रहा हूँ। देखो ये सवाल तुम्हारा, तुम्हारे मुंह की तरफ बकवास था, मुझे बिल्कुल नहीं मजा आया। मुझे थूक आ रहा था, थूक। इस सवाल को मारेंगे गोली, मेरे पास एक सरदर्द की गोली है, ये सवाल का सरदर्द खत्म। बिल्कुल बकवास सवाल, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, आपको इतना शौक है ना इतना बात करने का, हम उतर जाते हैं, आप खुद ही आके इधर कर लीजिए। अच्छा सबसे पहले फ्री का सवाल, ए पहले बाल बताओ, अगल बड़ी के भैंस? भैंस बड़ी है, सब जानते हैं। नहीं तुम। चलो पीछे भाग जाओ यहाँ से। पर हम तो ऑप्शन में भी नहीं थे, ऐसे कैसे डाल दिए? ऑप्शन में तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें तो किसी ने अडॉप्शन में नहीं लिया। कर लीजिए आप ही कीजिए। अच्छा तुम चाहे मेरा सवाल सुनो, पहला सवाल है 1 करोड़ रुपए के लिए। पहले सवाल 1 करोड़ के लिए? मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। फरवरी महीने में दिन कम क्यों होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठंड की वजह से दिन सुकड़ जाते हैं।
ऑप्शन बी है, फरवरी की माँ ने उसको बढ़ने वाला पाउडर निकला। ऑप्शन सी, दिनों का टीडीएस कट जाता है इसलिए कम हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी, फरवरी सबसे छोटा है इसलिए। लेकिन फेब छोटा है तो फिर दूसरे नंबर पे क्यों आता है? दौड़ने में तेज होगा। ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा उसको, बहुत अच्छी बात है। क्या पता आगे चल के मेहनत करके जनवरी की जगह आ जाए, कुछ नहीं पता होता। आपका जवाब क्या है? आपको ऑप्शन याद है? वो बढ़ने वाला पाउडर, बढ़ने वाला पाउडर नहीं दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ज्यादा तालियां इनके लिए। 1 करोड़ रुपए, हमको 1 करोड़ रुपए मिले? नहीं, मैंने चेंज कर लिया है, आपको मिलती है सीढ़ी। ये कामयाबी की सीढ़ी, बहुत लोग इस पे चढ़ के कामयाब हुए लेकिन ये नहीं हुई, इसको किसी ने ब्रेक नहीं दिया। ये तो गलत बात है, किसी ने ब्रेक नहीं दिया, ये लीजिए ब्रेक दे दिया, बस खुश। ये देखिए, आपका सीढ़ी को ब्रेक दिया है। हमारे पास एक ही सीढ़ी नहीं, हमारे पास बहुत सारी सीढ़ी है। ये सीढ़ी देखो, ये चलती भी है। सरला इधर आओ, इसमें बैठ गई, ये चलती भी है, ये देखो। ये क्या, ये कैसा मुंह चुगाया है आपने? क्या स्कूटर का हैंडल है क्या? पकड़ के ऐसे आगे बढ़ने का दिल कर रहा है हमारा, कैसी मूंछें हैं? इस बात पे मुझे एक चीज याद आई। बताइए। मैंने परसों कोल्ड ड्रिंक पी थी, मैं डकार लेना भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मजा क्यों नहीं आ रहा। एनीवेज, इनका तो इनके तो बर्फ का राज है ना। अगला सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए, कि रॉन्ग नंबर में नंबर रॉन्ग क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, नंबर की ठीक से परवरिश नहीं हुई। ऑप्शन बी, नंबर गलत संगत में पड़ जाता है। ऑप्शन सी, नंबर है ठीक है, उसको गलत इल्जाम में फंसाया गया है। या फिर ऑप्शन डी, नंबर सही है, उसकी इमेज खराब हो गई है। नंबर सही था लेकिन उसकी इमेज खराब हो गई है। आप जीत गए हैं 5 करोड़ रुपया, ये लीजिए 1, 2, 3, 2-2 करोड़ के 2 नोट बना लेना इसके, इसका 1 करोड़। आपको 5 करोड़ रुपया, आप अपने साथ। हाँ जी, एक मिनट, ये सवाल तो ठीक है, एक सवाल हमारा भी है आपसे। हम जानना चाहेंगे आयुष्मान जी के दम लगा के हिस्सा में आपका कितना दम लगा था? ए ऑप्शन है 5 करोड़ गिर गए। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये झूठ बोल रही है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये कोई सवाल है ही नहीं, इसका गैस छोड़ने को दिल कर रहा है। ये आज नहीं किया है, अपना काम कर गई है। ऑप्शन बी है, हालत खराब हो गया है, ये ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन सी है, बाल्टी भर के दम लगा, सी। और ऑप्शन डी है, ये बताने में आपको शर्म आ रही है। फर्स्ट वाला जिसे उड़े थे ना, वो ठीक है। नहीं नहीं, आपका ये जवाब ना एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमको ऐसा ना एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देखना होगा, आपको हमें उठाना होगा, देखो दम तो लगाना होगा, जीवन है। देखो बहन, मैंने जीवन है। भाग जा। देखिए, रुको, रेस दौड़े थे, करेंगे। हाँ जी, हाँ तो रेस दौड़े, यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाए। हाँ, वेट कितना वैसे, वजन क्या है? वजन कोई 120 के आसपास। इनका बहुत ताकत है, इनमें मजा आ गया, धन्य हो गए हम आज। एक बार जब मुझे समझ में नहीं आता, मैं मुझे लगा कि कौन सी आवाज में बोलूं। एक बार आयुष्मान और परिणीति के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू आयुष्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑल द बेस्ट फॉर मेरी प्यारी बिंदु। थैंक यू मेरी प्यारी बिंदु, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और रिलीज डेट बताओ एक बार। 12th ऑफ मई को मेरी प्यारी बिंदु आ रही है, बहुत ही प्यारी पिक्चर है, प्लीज जाकर देखना, यू विल नॉट रिग्रेट इट। लेकिन 12 मई से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट, जब कपिल का बर्थडे होता है, रिमेंबर माय बर्थडे, 2nd of April। हाउ यू नो, तो हम लोग कपिल के लिए केक लाए हैं, हम अभी काटेंगे। वाओ, तो परिणीति हेल्थ कॉन्शियस है, तो आई विल गिव हर ए स्ट्रॉबेरी। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो,
क्या है? मुंह भी लगा सकते हैं? नो। So sweet. Thank you so much, sir. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much. Thank you. आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें लकबी शर्मा शो.